भाइयों, भारत का इकलौता अभिमुक्त क्षेत्र यानी भोलेनाथ की नगरी काशी, जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, भगवान शिव के द्वारा बसाए गए इस 15,000 साल पुराने शहर को देखने देश विदेशों से लोग आते हैं, तो आप क्यों पीछे हैं, जल्दी चलिए। तो भैया पेटी कैसे लो, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पूरा बनारस 2 दिन के अंदर मात्र 2,000 रुपये में कैसे घूम सकते हैं, कहाँ ठहरें, क्या खाएं, कहाँ घूमें, सब मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई आपका जिंदाबाद। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले श्रद्धा आपके साथ ऑनलाइन स्लीपर की टिकट निकाली, एक गुलाबी पत्ती जेब में डाली, बस्ता उठाया और पकड़ ली 8:00 की शिवगंगा, जिसने 10 घंटे बाद यानी 4:30 बजे उतार दिया वाराणसी जंक्शन। तो भैया ये हमारा बनारस में है पहला दिन। वाराणसी जंक्शन से बाहर निकलकर 15-20 मिनट घूमने के बाद पास में ही हमें मिल गया एक अच्छे से होटल में सस्ता सा कमरा। यहाँ पर धर्मशाला और होटल पूरे बनारस में बेशुमार हैं और आपके बजट में भी मिल जाएंगे। अगर आप सोलो ट्रेवलर हो तो कृष्ण धर्मशाला में डोरमेट्री बेड भी ले सकते हैं, जो तुम्हें 100 से 150 रुपए में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमने रूम में पटका सामान नहा धोकर रिक्शा वाले को 20 रुपए देकर पहुंच गए दशाश्वमेध चौराहे पर। वहां सबसे पहले मधुर जलपान की 4 कचौड़ी पेल दी भैया, सुबह से भूख लग रही थी बड़ी तेजी की, और उसके बाद सीधा कूच किया बाबा विश्वनाथ के मंदिर की तरफ। विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ज्ञानवापी मस्जिद ही असल विश्वनाथ मंदिर है। कहते हैं कि नदी में स्नान करने के पश्चात विश्वनाथ के दर्शन कर विधिवत पूजन किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ के चरणों में थोड़े श्रद्धा के फूल और भावना का जल अर्पित करते हुए बाबा से क्षमा प्रार्थना की। उसके बाद पतली गली पकड़कर परे गली से ध्यान आया कि आप यहाँ विश्वनाथ मंदिर के आसपास पैदल ही घूमें, जिससे आपको यहाँ की गलियों में घूमने का बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। तो कहाँ थे हम, हाँ पतली गली पकड़कर आ गए दशाश्वमेध घाट पर। यहाँ पर आप चाहो तो मानसिक शुद्धि के लिए मुंडन कराओ, चाहे गंगा मैया में डुबकी लगाओ, लेकिन नौका विहार से बनारस को देखने का जो आनंद है वो आपके पैसे वसूल कर ही देगा। हालांकि इस अनुभूति की कोई कीमत नहीं है, लेकिन पैसा पैसा होता है गुरु। अब हम फिर आ गए दशाश्वमेध चौराहे पर। वहां से हमने रिक्शा किया श्री काल भैरव मंदिर के लिए, जो कि लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। और भाइयों, रास्ते में जो भी आपको खाना पीना दिखे आप खा भी सकते हैं। हमने तो गन्ने का रस पीकर गले को किया तर और झुकाकर अपना सर पहुंच गए कोतवाल साहब के मंदिर यानी श्री काल भैरव जी के पास। ये शहर के कोतवाल हैं, यहाँ हाजिरी जरूरी है। भाइयों, श्री काल भैरव जी के दर्शन के बाद हम वापस आ गए विश्वनाथ मार्केट की तरफ और यहाँ पर हमने एक नई चीज देखी जिसका नाम है मलइयो। यह दूध से बनाई जाती है और इसके ऊपर झाग जैसे होते हैं, नीचे रबड़ी वाला दूध पीकर मजा ही आ गया गुरु। भाई मलइयो खाने के बाद मतलब पीने के बाद हमने रुक किया मणिकर्णिका घाट की तरफ पैदल ही पैदल। इस घाट की तरफ जाने का रास्ता बहुत ही सकरा है, गली बहुत ही पतली है, लेकिन धीरे धीरे चलते रहो, यहाँ हर 2 मिनट बाद आपको लोग किसी न किसी का पार्थिव शरीर ले जाते हुए दिख जाएंगे। तो दोस्तों, घाट पर पहुंचकर देखा तो बहुत ही अजीब सी अनुभूति हुई, मतलब विचार शून्य होकर मन शांत हो गया और जहन में कुछ लाइन याद आ गई, आप भी सुन लो। जिंदगी पर घमंड मत कर ए मुसाफिर, ना जाने कितने शहंशाह यहाँ रोज जलते हैं। तो दोस्तों, शहंशाहों को जलाकर वहां से निकल लिए और मार्केट का जायजा लेते हुए और हम पहुंच गए फिर दशाश्वमेध घाट पर गंगा मैया की आरती देखने, जिसको वाराणसी में आकर हम किसी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। यहां पर दोस्तों गंगा जी की आरती बहुत ही जोरों शोरों से की जाती है और इसको देखने के लिए देश विदेशों से लोग आते हैं, यह पूरे विश्व में विख्यात है। साढ़े 6 बजे से चालू होती है। ओके। यहाँ पे 7 आरती होती है, 7 ब्राह्मण करते हैं पूजा। ओके। और यहाँ पे माँ गंगा का इतना आशीर्वाद बना है। हाँ। ओके। 7 आरती का बहुत महत्व माना जाता है। अच्छा। यहाँ पे बगल में काशी विश्वनाथ जी हैं। अब भाइयों, समय हो गया है डिनर का, तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर खाना हर बजट का मिलता है। अगर आपको फ्री में खाना खाना है तो अन्नपूर्ण भवन में जा सकते हैं, पैसे से खाना खाना है तो बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है। बाबा विश्वनाथ मंदिर के परिसर में ही फूड कॉरिडोर खुल गया है और जहां हर तरह के स्नैक्स, लंच और डिनर आपको मिल जाएगा। लेकिन हम पहुंच गए शाही दया रेस्टोरेंट। बनारस में हमारे एक मित्र रहते हैं तो उन्होंने कहा कि आज का खाना आप यहीं खाएंगे। मैंने बोला कि यहाँ फ्री है क्या, तो बोले कि नहीं मेरा कमीशन है। बेहट साले, लेकिन भाई लोगों खाना बहुत अच्छा था। हेलो फ्रेंड, मैं विकास शर्मा और अभी हम जो है खाना खाने के लिए आए हुए हैं रथ यात्रा चौराहे पर शाही दया रेस्टोरेंट में। काफ़ी थक गए हैं, हम सोच रहे हैं कि भस्म आरती सुबह 2:30 बजे की है, तो सुबह 2:30 बजे की भस्म आरती करेंगे। तो
अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है, पहले फिलहाल खाना खाते हैं। खाना खाकर हमारा शरीर दे गया जवाब और हम चले गए रूम पर सोने के लिए, क्योंकि भस्म आरती सुबह 2:30 से 3 बजे होती है। अगर नैना खुल गए तो हम भस्म आरती कर लेंगे, नहीं तो जयवम बोले। तो दोस्तों गुड वाली मॉर्निंग सभी को, ये हमारा दूसरा दिन है बनारस में और हम आ गए हैं दशाश्वमेध चौराहे पर। यहाँ से हम लेंगे शेयरिंग वाला ऑटो लंका के लिए, जो कि लेगा लगभग 30 से 40 रुपये। लंका पहुँचते ही हमें दिख गई लंका की प्रसिद्ध रबड़ी वाली लस्सी। अरे वाह, मज़ा आ गया देखकर, भूख लगी है तगड़ी भाई, और लस्सी में है जबरदस्त मलाई। लस्सी पीकर हम दौड़ गए BHU की तरफ। BHU लगभग 15 किलोमीटर में फैला हुआ है और वहाँ बिना वाहन के आप नहीं घूम सकते। तो हमने यहाँ एक रिक्शा पकड़ा विश्वनाथ मंदिर के लिए। BHU कैंपस में भी एक विशाल विश्वनाथ मंदिर है, जिसको बिरला मंदिर कहते हैं और बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। कैंपस घूमने के बाद थोड़ी दूरी पर ही संकट मोचन हनुमान जी मंदिर है, वहाँ के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस मंदिर की खासियत है कि इसमें हनुमान जी की मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है। अब हम आ गए हैं दुर्गा मंदिर, जो कि लाल पत्थरों से बना हुआ है। इसी के बराबर में दुर्गा कुंड है। दैत्यों के संहार के बाद माँ दुर्गा ने यहीं विश्राम किया था, ऐसी मानता है, तथा शारदीय नवरात्रों के चौथे दिन माता को कुष्मांडा के रूप में भी पूजा जाता है। तो भाइयों, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि बनारस की आन बान और शान है, जिसके बिना बनारस अधूरा है, और वो चीज़ है यहाँ का पान। अगर आपने बनारस आकर पान नहीं खाया तो आपका बनारस आना व्यर्थ है। तो दोस्तों, पान खाकर अपने तन और मन को तरोताजा कर हम चल दिए दशाश्वमेध मार्केट की तरफ कुछ शॉपिंग करने। इस मार्केट में बनारसी साड़ियाँ, सूट, लहंगे, चुनरी, सभी प्रकार के वस्त्र मिल जाते हैं, लेकिन हमने कुछ साड़ियाँ ली अपनी माता जी के लिए। अब प्रभु से प्रार्थना है कि उन्हें ये पसंद आया है, बस। तो भाइयों, शॉपिंग करते करते हो गई शाम और गंगा मैया की आरती का हो गया समय, जो कि कुछ लोग आरती का सामान भी ले जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हम आरती में सम्मिलित ना होकर नौका विहार करते हुए आरती देखेंगे, जिसका एक अलग ही आनंद है। दोस्तों, अगर आपका बनारस घूमने का प्लान बन रहा है तो यहाँ घूमने का जो सही समय है वो है नवंबर से लेकर मार्च तक, क्योंकि मार्च के बाद यहाँ का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, फिर आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। वाराणसी की संस्कृति और गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। वाराणसी नाम यहाँ की दो स्थानीय नदी वरना एवं असी नदी के नाम से मिलकर बनी है। तो भाइयों, 15-20 मिनट तक बनारस सिटी के नाइट व्यू को एंजॉय करने के बाद हमें लग गई भूख और निकल गए रसना रेस्टोरेंट के लिए। लेकिन रास्ते में हमको मिल गई एक अनोखी चीज़, जो कि बनारस का स्ट्रीट स्नैक्स है, जिसका नाम है रसेदार पकौड़ी। दोस्तों, ये बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो भाइयों, रात हो गई है और समय हो गया है 9:30 और हम पहुँच गए हैं रसना रेस्टोरेंट। यहाँ पर हमने सत्तू का पराठा और बैंगन का भरता खाया। तो दोस्तों, यहाँ हम एक व्यक्ति का 2 दिन रुकने, घूमने और खाने का खर्चा बता देते हैं लमसम में। तो 500 रुपये रूम के रख लीजिए, रिक्शा भाड़ा 500 रुपये, खाने का भी 500 रुपये, और 450 रुपये ट्रेन के अलग से, जैसे आप आते हैं जाते हैं वो अलग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय शिव शंभू।